2020 में असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट पद पर मेरा चयन हुआ है। ये सिविल सर्विसेज की जर्नी काफ़ी एक लंबी जर्नी है जिसमें कई सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। इसमें मेरे फैमिली को बहुत अहम योगदान रहा है और उनके लिए मैं काफ़ी ग्रेटफुल और थैंकफुल हूँ। इसके अलावा जो भी मेरे टीचर्स और मेंटर्स रहे हैं उनको मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। मेरी जो प्रॉपर प्रिपरेशन रही है, मैंने कोचिंग गाइडेंस लिया है, मैंने अपनी प्रिपरेशन ग्वालियर के साक्षा इंस्टीट्यूट से की है जिसमें मैं क्लासरूम स्टूडेंट थी और यहाँ से जो क्लासरूम नोट्स थे उसको मैंने एक बेस बनाया। इसके अलावा इंटरनेट से स्टडी मटीरियल और जो बेसिक रिसोर्सेज होते हैं उनको अपनी प्रिपरेशन में एमल्गमेट करके एक जो अपना कंसोलिडेटेड मटीरियल है सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके जो कंसोलिडेटेड मटीरियल है उसको तैयार किया। इस पूरी प्रिपरेशन जर्नी में, क्योंकि ये 3 स्टेज जर्नी है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा मेंस स्टेज होता है क्योंकि वो 1400 मार्क्स का है और इसमें ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें क्योंकि फिर इंटरव्यू का वेटेज 175 मार्क्स का है और वो काफ़ी हद तक अनप्रिडिक्टेबल है। तो अगर मेंस की जर्नी की बात करें तो इसमें आपको 3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है। कंसोलिडेटेड मटीरियल, रिपीटेटिव आपके मल्टीपल रिविजन्स हो और आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है इस जर्नी में। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका टेस्ट सीरीज, चाहे वो प्रिलिम्स को लेकर के हो। आप बहुत ज़्यादा फैक्ट्स पढ़ेंगे, आप रिविजन करेंगे, पर जब तक आप एमसीक्यूज नहीं करेंगे आप अपनी प्रिपरेशन में खुद को एनालाइज नहीं कर पाएंगे कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं और अपने वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स को एनालाइज नहीं कर पाएंगे। तो प्रिलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी आंसर राइटिंग, और आंसर राइटिंग में क्वालिटी और आपको टाइम दोनों का काफ़ी ध्यान रखना है और दोनों को एक बैलेंस वे में करके चलना है। ऐसा भी नहीं है कि आप परफेक्ट आंसर्स लें और ऐसा भी नहीं है कि आप एकदम जर्नलिस्टिक आंसर्स लें, तो एक बैलेंस होना चाहिए। वहीं इंटरव्यू के टाइम पे मॉक इंटरव्यूज़ में क्योंकि मैंने इंटरव्यूज़ यहाँ पे समीक्षा इंस्टीट्यूट पे दिए, यहाँ के पैनल मेंबर्स के द्वारा जो भी रिव्यूज़ दिए गए उनको मैंने एनालाइज किया, अपने कमियों को सुधार किया और ये टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से, मॉक इंटरव्यूज़ के माध्यम से आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है जो आपको फाइनल जब आप एग्ज़ाम देते हो उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो ये कुल मिला के मेरी जर्नी रही और बाकी मैं सारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स को बेस्ट विशेस देती हूँ कि वो भी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी को बना करके और इम्प्लीमेंट करें और सफलता हासिल करें। थैंक यू सो मच।